बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 17 अप्रैल 2020, आज भाई 17 अप्रैल 2020 है। मैं आज आपके साथ सऊदी अरब से कोरोना वायरस के नए आने वाले केस सामने आपके साथ शेयर करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कितने केस रिकॉर्ड किए गए हैं, कितने सेहतयाब हुए हैं और कितने लोगों की आज वफात हुई है सऊदी अरब से। तो कल हम सब भाइयों को पता था कि 16 अप्रैल वाले दिन कल 518 केस सामने आए थे, जो कि सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा केस थे। हालांकि इससे पहले 500 का फिगर नहीं लगा था। तो आज के जो केस सामने आए हैं ये चमका देने वाले हैं भाई, आप सब भाइयों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं भाई, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से मक्का और मदीना में घरों पर चेकिंग शुरू हो गई है। घरों पर मुकीम जो अफराद हैं उनका टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। अगर किसी के में बुखार की अलामत दिखाई दे रही हैं तो उसे फिर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है टेस्ट के लिए इस वायरस के। और वैसे भी रहायशों की चेकिंग शुरू हो गई है और रहायशों में बसे हुए तमाम अफराद के टेम्परेचर के चेक यानी कि बुखार भी चेक किया जा रहा है। तो आज के फिगर की तरफ आ जाते हैं हम भाई। आज आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं 762 जी मेरे भाई, 762 केस आज सऊदी अरब से रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि बहुत बड़ा फिगर है सऊदी अरब में। अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा केस कल ही आए थे 518, और अभी एक दिन में ही ये 200 से ऊपर केस, 250 के करीब करीब कल 518 थे और आज 762 हैं। बहुत बड़ा फिगर आज लगा है 762 का। हालांकि पहले ऐसा नहीं हुआ है, पहले 400 का फिगर लगा है, फिर 3-4 दिन फिर 500 का लगा, अभी 762 आज केस किए गए हैं सऊदी अरब से। आप देख सकते हैं तकरीबन मक्का में भाई, देख लें जी, आज बहुत ज़्यादा केस मक्का से रिकॉर्ड किए गए हैं। 325 केस आज मक्का से भाई रिकॉर्ड किए गए हैं 24 घंटे कर्फ्यू होने के बावजूद, 325 केस। तो दूसरे नंबर पर मदीना जी, 197 केस रिकॉर्ड किए गए, जो कि मदीना शरीफ से अभी तक सबसे ज़्यादा 118 केस गालबन या 113 रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन आज 200 का फिगर लग चुका है। 3 मरीज कम सिर्फ 197। तो जद्दा देख लें जी, तीसरे नंबर पर 142 और हफूब देख लें जी 35 पर है, रियाज 24 है, दमाम 18, नीचे वही 2-4-3 चल रहे हैं। तो टोटल अभी तक सऊदी अरब में हो गए 7142 जी मेरे भाई, 7142 7142 केस अभी तक सऊदी अरब में रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो 1049 अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हो चुके हैं और 87 की अभी तक वफात हो चुकी है। तो यहाँ मैं आपके साथ तफसील शेयर कर देता हूँ आज की। 4 आज डेथ हुई हैं जी मेरे भाई, सऊदी अरब में आज 4 अफराद की डेथ हुई है और 59 अफराद सेहतयाब हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 59 अफराद के सेहतयाब होने के बावजूद 1049 अफराद अभी तक सेहतयाब हुए हैं और 87 की अभी तक डेथ हो चुकी है। तो टोटल केस अभी तक 7142 हो चुके हैं सऊदी अरब में। भाई मैं आपको फिर बताता चलूँ, मक्का और मदीना में सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से सऊदी वजारत सेहत की टीमें हरकत में आ गई हैं। सब भाइयों की खास तौर पर लेबर हाउसिंग है जो उनकी टेस्टिंग की जा रही है और वहां पर मौजूद हर फर्द का टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। तो ये इतने केस बढ़ने के गालमन आज 200 से 250 केस बढ़ा है कल की निस्बत, इसके पीछे यही रीज़न है कि ये जो लोग अभी घरों में जाकर चेक कर रहे हैं, तो जब घरों में जाकर ये चेक करेंगे तो फिर जितने भी मरीज़ होंगे वो निकलेंगे ही खुद ब खुद। अगर किसी को बुखार वगैरह है तो उसे उठाएंगे और हॉस्पिटल मुंतकिल करेंगे, तो गालबन अगर उसका टेस्ट मुस्बत आएगा तो फिर उसे उधर ही रखेंगे। इसलिए ये आज केस इतने ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं पहले की निस्बत। हालाँकि पहले 400 का फिगर लगा था, लेकिन 3-4 दिन 400 का फिगर ही लगा रहा है, फिर 518 कल हुए हैं। तो अभी मेरे जहन के मुताबिक 500 का फिगर चलेगा 2-4 दिन, फिर हो सकता है ज्यादा हो या कम हो, लेकिन अभी 200 से 250 या एकदम छलांग लगी है इन केसेस में। इसके पीछे यही रीजन है भाई, को जो ये मक्का और इधर मदीना में इन लोगों ने घरों पर जाकर चेकिंग शुरू कर दी है।